नमस्कार दोस्तों, मैं भव्य त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूँ टेक बियर यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमआई के नए ऑफर के बारे में जिसका नाम है एमआई एक्सचेंज ऑफर। दोस्तों ये किस तरीके से करा जा सकता है और क्या ये आपको करना चाहिए या नहीं, जानने के लिए देखते रहिए वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है शाओमी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है mi.com। वहाँ पे दोस्तों आप जाके सबसे पहले आपको जाना है सपोर्ट के अंदर। सपोर्ट में जाके MI एक्सचेंज पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का विंडो आपके सामने ओपन होगा जहाँ पे MI एक्सचेंज लिखा हुआ होगा। वहाँ पे आपको नीचे जाना है, कुछ इस तरह के स्टेप्स लिखे हुए हैं। वहाँ पे आपको इवेल्युएट माई फोन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का विंडो आपके सामने ओपन होगा जहाँ पे नीचे यहाँ पे सभी कंपनीज है। वहाँ पे आपको जिसका भी फ़ोन आपको आप यूज़ कर रहे हो उस पर आपको क्लिक करना है। सपोज़ कि यहाँ पे मेरे पास है MI का रेडमी नोट 4, तो यहाँ पे मैं MI सिलेक्ट करूँगा। उसके नीचे जाके आपको यहाँ पे अपना फ़ोन ढूंढना है। अभी दोस्तों यहाँ पे सेकेंड पेज पे हम जाएंगे तो रेडमी नोट 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अब दोस्तों जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इवेल्युएट प्राइस इसकी आ जाती है जो है 4300। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे मेरे फ़ोन की प्राइस यहाँ पे मुझे मिल रही है 4300 रुपीज़। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने फ़ोन का IMEI नंबर डालना है जिसको आप डाल सकते हो अपने कीपैड के अंदर डायल करके *#06#। उसके बाद दोस्तों आपको IMEI नंबर यहाँ पे पेस्ट करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप पेस्ट करेंगे यहाँ पे आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे गेट एक्सचेंज कूपन पे आपको क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आप जैसे ही गेट एक्सचेंज कूपन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास एक एक्सचेंज कूपन आएगी, उसकी मदद से आप नया डिवाइस जो है वो खरीद सकते हो। अभी दोस्तों फोन एक्सचेंज करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन में इसके 3 पॉइंट्स है। सबसे पहला दोस्तों पॉइंट ये है कि ये जो कूपन है वो सिर्फ 14 डेज के लिए ही वैलिड होगी। अगर आप 14 डेज के अंदर अंदर नया फोन ऑर्डर नहीं करते हैं तो उसके बाद दोस्तों ये जो कूपन है वो इनवैलिड हो जाएगा और इस कूपन की मदद से आप कोई भी फोन जो है वो नहीं खरीद सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो फोन है उसकी मदद से आप सिर्फ MI के फोन ही खरीद सकते हो, दूसरी कोई भी कंपनी का फोन आप इस कूपन की मदद से नहीं खरीद सकते। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो कूपन है उसकी मदद से आप सिर्फ फोन ही खरीद सकते हो, कोई भी एसेसरीज MI की आप नहीं खरीद सकते। दोस्तों बात करते हैं इसके इवेल्युएट प्राइस की, तो यहाँ पे मेरे फोन की इवेल्युएट प्राइस दिखा रहा है 4300, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम है मेरे फोन के मुताबिक। जो इसका कंडीशन है वो काफी अच्छा है इस प्राइस के मुताबिक, तो मेरे हिसाब से इससे मुझे थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है ऑफलाइन मार्केट में, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। लेकिन एक बार ऑफलाइन मार्केट में भी आप पूछ के देखो कि इसकी एक्सचेंज में कितनी प्राइस आपको मिलेगी, शायद इससे थोड़ी सी ज्यादा मिल जाए। तो बस दोस्तों आशा करता हूं आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली होगी और आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड शेयर, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, क्योंकि मैं रखते आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।